नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। राजस्थान में आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया जो लंबे समय से अपनी मांग कर रही थी, उन सभी पे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जिस खबर को सुन करके आप सभी कर्मचारियों के चेहरे पे एक अलग रौनक देखने को मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया, इनसे जुड़ी कोई भी खबर आएगी वह सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो लंबे समय से जो राजस्थान की आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने मानदेय को लेकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही थी, अब उन सभी कर्मचारियों को बिल्कुल भी कहीं भी धरना प्रदर्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पालन किया जाए, सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। यानी अगर बात किया जाए आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता जीविका रसोईया ANM GNM, इन सभी कर्मचारियों के राजस्थान सरकार के द्वारा मानदेय में बम्पर वृद्धि का ऐलान हुआ है और सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने लिया है। अगर आशा कर्मियों की बात कर लिया तो 22,000 रुपये, आंगनबाड़ियों की बात कर लिया तो 20,000, सेविकाओं की बात कर लिया तो 22,000, सहायिकाओं की बात कर लिया तो 15,000। इसी तरह से सभी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ आप सभी कर्मचारियों को इस बार दिवाली पर बोनस दिया जाएगा और साथ में आप सभी को आपका मानदेय दिया जाएगा जो बढ़ा हुआ मानदेय। यानी आप लोगों का जो 28 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच सभी कर्मचारियों को मानदेय भी दिया जाएगा और दिवाली का बोनस देने का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने लिया है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सभी कर्मचारियों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।